हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपको जो ट्रिक या कंसेप्ट देने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस ट्रिक या कंसेप्ट पे हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो रहता ही है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या जेई का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो इसलिए हम इस ट्रिक को बहुत आसानी से समझेंगे, क्योंकि जब है रफ़ी सर आपके साथ तो डरने की नहीं है कोई बात। तो देखिए, आज हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ एल्किन। जी, आप सही सुन रहे हो, आज हम एल्किन का कर देंगे ऑपरेशन। डॉक्टर बनने से पहले ऑपरेशन, वो भी किसके साथ? रफ़ी सर के साथ। तो एल्किन का ऑपरेशन करेंगे। तो एल्किन का जो ऑपरेशन होगा वो दो तरीके से होगा। एक बार कंप्लीट ऑपरेशन करेंगे, ध्यान दो ये सब बस समझाने के लिए, एक बार कंप्लीट ऑपरेशन करेंगे एल्किन का और एक बार पार्शियल ऑपरेशन करेंगे। कंप्लीट ऑपरेशन का क्या मतलब है कि एल्कीन में जो डबल बॉन्ड दिख रहा है जिन दो कार्बन के बीच, उनको क्या करना है? ब्रेक कर देना है। देखो, पहला पॉइंट, सिग्मा एंड पाई दोनों जब ब्रेक होंगे तो मेरा वहां पे सेंस होगा कंप्लीट ऑपरेशन, दैट मीन्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यू कैन से। ओके, तो ऑपरेशन कर देना है, सिग्मा और पाई दोनों अगर ब्रेक कर दिए। आपको क्या करना है समझने के लिए, आपको कैंची चलाना है, और कैसे? परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो कैसे चलाना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझे, जैसे ये पाई बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में, तो ऐसे कट करना आपको, परपेंडिकुलर ऐसे चलाना है, ऐसे नहीं, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर चलाना है। तो यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड को कट कर दिया, मतलब दो फ्रेगमेंट बन जाएगा, और इधर भी ऑक्सीजन भर देना, इधर भी ऑक्सीजन भर देना है, क्योंकि जब आपने ऑपरेशन किया है तो पेशेंट को जिंदा रखना पड़ेगा ना, तो ऑक्सीजन भर देंगे। और इसके लिए रिएजेंट क्या, दवा क्या दोगे? अरे दवा तो दोगे ना कुछ, तो उसके लिए दवा है ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो काम ये करेगा वही काम ये भी करेगा, राइट? KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, राइट? या फिर K2Cr2O7H+ दे सकते हैं। दैट मीन्स एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट, या एसिडिक मीडियम में परमैग्नेट, या फिर ओजोन। ये या फिर ओजोन ही ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ZN या Me2S भी उसमें ऐड है, तो फिर क्या होगा वो भी देखेंगे। तो इन सब केस में, ये जो मैंने रिएजेंट या ये मेडिसिन दिखाया है, इन सब केस में आपको कंप्लीट ऑपरेशन करना है। और ये यूज कहाँ होता है ये सब रिएजेंट? टू आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन। ओके, नाउ पार्शियल ऑपरेशन से क्या मतलब है सर आपका? तो पार्शियल का मेरा मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मैं किसको ब्रेक करूंगा? पाई बॉन्ड को, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। तो जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो दो न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के दो सिग्मा बनता है, तो एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। सर अगेन, इसके लिए क्या मेडिसिन आप सजेस्ट करोगे? तो इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन है, राइट? क्योंकि पार्सल क्या है ना, तो बहुत सारे मेडिसिन है। एक H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये हो सकता है, या HX वेयर X कैन बी CL BRI, राइट? ये सब ऐड कर सकते हैं, या फिर BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH-, या HgOH2 NaBH4, या KMnO4 कोल्ड एंड डायलूट मीडियम में। ध्यान दें, इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे KMnO4 एसिडिक मीडियम में, ये डाइल्यूट एंड कोल्ड कंडीशन में। हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या HOX, या फिर हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन हमने ले रखे हैं, तो इसका मैं एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिस पे आपको कैसे करना है वो बताऊंगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम इस मेडिसिन पे वर्क करेंगे कि अगर मैंने एल्किन का कंप्लीट ऑपरेशन कर दिया तो कैसे करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक की, जिसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं। तो देखो, कहीं पे भी आपको एल्कीन दिख गया, क्या? एल्कीन, और इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट दिख जाए, ध्यान से देखो, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दिख जाए, या फिर KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दिख जाए, या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दिख जाए, इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट दिख गया, या फिर ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड एंड वाटर, ये मिल जाए। बात को समझ रहे हो, कहीं पे भी एल्कीन ये तीनों रिएजेंट में से कोई मिल जाए, या ये रिएजेंट ये मिल जाए, या फिर ये मिल जाए, तो आपको क्या कर देना है? ऑपरेशन। डैट मीन्स करना क्या है, जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसको परपेंडिकुलर कट कर देना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा कट कर देना है? क्योंकि ओजोन के बारे में आपको मालूम है, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा है, ध्यान से देखो, बेंट या वी शेप या एंगुलर, कैंची की तरह, तो इसलिए कैंची चला देना और कट कर देना है।
तो समझ के बाद आपको कट कर देना, चाहे ये रिएजेंट हो या ये रिएजेंट हो, कट कर देना और फ्रैगमेंट बना देना। और कट करने के बाद जिंदा भी रखना है ना, तो ऑक्सीजन भर देना है, दोनों को ऑक्सीजन दे देना। यहाँ तक तो दोनों में करना ही है। नाउ अब चेंजेज होगा, अगर ये आपने लिया तो फिर ये कट करने के बाद फिर आपको देखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन तो नहीं है। ध्यान दे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, ये नहीं कि इधर हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो उसको फिर OH कर देना है, अगर नहीं है तो एज इट इज छोड़ देना। इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है, इधर डबल बॉन्डेड कार्बन पे कार्बन कार्बन है तो एज इट इज रहने देना है, उसको कुछ नहीं करना है। इधर डबल बॉन्डेड कार्बन पे कार्बन था, एज इट इज रहने दिया, हाइड्रोजन था तो OH करना है। कब? जब इन तीनों में से कोई होगा। तो अगर सर ये होगा तो क्या करना है, ये होगा तो फिर टेंशन ही खत्म, बस कट करके छोड़ देना है। तो डैट मीन्स देखो, ये कार्बन कार्बन ऐसे ही रहने दिया, इधर वाला कार्बन हाइड्रोजन ऐसे ही रहने देना यहीं पे। इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या बोलेंगे? रिडक्टिव, क्योंकि वहीं पे छोड़ दिया। और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। बात समझ में आ गई? तो सर ऐसा क्यों हुआ ना, तो क्वेश्चन ऐसा क्यों हुआ, तो वो भी सिंपल है। यूनो ओजोन आपका बहुत हाईली अनस्टेबल है, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन सारे चीज के पीछे यही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, यही नेसेंट ऑक्सीजन। तो अगर नेसेंट ऑक्सीजन को आपने ट्रैप नहीं किया, नेसेंट ऑक्सीजन को आपने नहीं पकड़ा, तो रिएक्शन फर्दर हो जाती है, इसलिए कंप्लीट आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो जाता है। यहाँ पे जिंक क्या करेगा, वो जो आपका ऑक्सीजन था नेसेंट वाला, उसको लेकर के खुद जिंक ऑक्साइड में, तो इससे क्या हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगी। या डायमिथाइल सल्फाइड उस ऑक्सीजन को लेकर के डायमिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड बना लेगा। बात समझे? तो इसलिए ये ऐड करने से आपका जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो ये भी खा जा रहा है, तो इसीलिए रिएक्शन हमारी यहीं पे रोक देना है। नहीं होगा तो नहीं खा पाएगा, तो फिर यहाँ तक जाएगी। तो बात समझ गए, ट्रिक समझ गए, बहुत ईजी है। कैंची की तरह कट कर देना है, चाहे ये हो या ये हो, कट कर देना है। कट करके ऑक्सीजन भर देना है, जिंदा रखना है, क्योंकि उसके बाद अगर आपका ये है तो डबल बॉन्ड कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो OH करना है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना है। और इस केस में तो सिंपल है, बस कट करके ऑक्सीजन भर दो। तो चलिए अब हम इस पे बेस एप्लीकेशन की बात करते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान में रखना है आपको, कि अगर आपको ऑपरेशन करने आ रहा है तो जोड़ने भी आना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है कट किया है तो जोड़ने भी आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी पूछता है कि ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ये है तो एक्चुअल रिएक्टेंट कौन होगा, डेट मीन्स एल्किन कौन सा होगा। तो उसके लिए भी इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है, आपको क्या करना है, जो जो सी डबल बॉन्ड हो उसको सामने कर करके इसको क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे और सी डबल बॉन्ड सी बना दोगे, तो आपका बैक रिएक्टेंट आ जाएगा। तो इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और अगर ये ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट क्या होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, जोड़ने आना चाहिए। जहां जहां सी डबल बॉन्ड हो दिख रहा है तो उसको क्या कर देना है, सामने ला कर करके दोनों ऑक्सीजन को फिर से निकाल लेना, सी डबल बॉन्ड सी बना देना है। अगर OH अगर आ गया है तो इसका मतलब वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन वाला है, राइट। तो OH को पहले क्या करोगे, H में कन्वर्ट कर दोगे। ध्यान से देखो, OH को H में और C डबल बॉन्डों को और दूसरे मॉलिक्यूल के C डबल बॉन्डों को जोड़ करके दोनों ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है। समझ के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो 2023 में 12 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया है कि 2-hexene और O3 एंड वाटर है तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक तो रफी सर का ट्रिक देखो, कैसे एग्जाम में आपको सोचना होता है। 2-hexene है, डैट मीन्स नॉर्मल एल्किन है ये, कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। और चूंकि ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर है, राइट, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना, वो भी कौन सा, ऑक्सीडेटिव वाला। तो डैट मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन होगा ही, और वो हाइड्रोजन होगा तो OH में जाएगा, मतलब ओइक एसिड वाला बनना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखो, अल है और अल्डिहाइड है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ ओइक है, बराबर है, लेकिन यहाँ अल्डिहाइड है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ अल है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ ओइक है, यहाँ इक है, तो डैट मीन्स ये होगा, क्योंकि दोनों फ्रेगमेंट हमारा एसिड ही बनने वाला। कैसे, अगर नहीं सोच पाए तो ध्यान से देखो, 2-hexene का मतलब क्या हो गया, आपका 6 कार्बन का चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 2 पे डबल बॉन्ड, राइट। उसके बाद सर ने क्या बोला है कि ध्यान से देखो, इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बनाए तो एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है, राइट। चूंकि O3 वाटर लिया तो हमने क्या बोला,
परपेंडिकुलर कट करो, यहाँ ऑक्सीजन भरो, यहाँ ऑक्सीजन भरो। तो जब ये भरते तो ध्यान से देखो, ये आ जाता सी डबल बॉन्ड ओ और ये हेच को क्या कर देते ओ एच, तो यही आपका क्या हो गया एसिटिक एसिड। और इधर वाला पार्ट ध्यान से देखो, 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे, 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ और ये हेच ओ एच में, तो ये क्या हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर टू में आपको कोई अननोन हाइड्रोकार्बन है और उसका ओजनोलिसिस कर रहे हैं, ओ थ्री का 1 मोल लिया है, तो 1 मोल इथेनल मिल रहा और 1 मोल प्रोपेनोन, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये 8 अप्रैल को शिफ्ट 1 में 2023 में पूछा हुआ है। तो मोलर मास एक्स का बताना है, तो ध्यान से देखो रफ़ी सर कैसे सोच रहे हैं, अलवर्ड लगा है, अलवर्ड लगा है, इसका क्या मतलब हो गया अल्डिहाइड मिल रहा है, डैट मीन्स रिडक्टिव ओजनोलिसिस हो रहा है और ये तो प्रोपेनोन है, राइट। एक और हमें कैसे पता लग रहा है कि 1 मोल ओजोन जब आपने लिया तो 1 मोल इसका मिल रहा है, 1 मोल इसका, 1 मोल अगर मैं ओजोन लिया 1 मोल ओ थ्री तो मेरे को कितना ऑक्सीजन मिला, 3 ऑक्सीजन मिला, एक ऑक्सीजन तो यहाँ आया इथेनल में, एक ऑक्सीजन यहाँ आया, तो एक और ऑक्सीजन क्या हुआ, तो वही वो जिंक या Me2S खाया होगा, इसका मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। और ये वो वाला केस है जहाँ पे अगर आपको कट किया है तो जोड़ने भी आना चाहिए, तो आप इथेनल बना लो क्विकली, कैसे बनाएंगे, तो C डबल बॉन्ड ओ और इथेनल है, इथ है, तो एक 2 कार्बन हो गया और एक हाइड्रोजन, ये बना लिया। दूसरा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन मतलब सी डबल बॉन्डों को सामने रखो और 2 CH3, और आपको क्या बोला था जब अगर कट करने आया है तो जोड़ने भी आना चाहिए, तो दोनों ऑक्सीजन को हटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा CH3H, सी डबल बॉन्ड सी, इधर CH3, इधर CH3। तो आयु पैक नेम पूछ लेता है कितने सिग्मा पाए, वो भी पूछ लेता है, अभी आपसे पूछा है इसका मोलर मास, तो कितने कार्बन ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो 60, तो वो हो गया प्लस 9 और 1 10 हाइड्रोजन, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 70, सो योर आंसर विल बी 70। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में एक C6H8 करके कोई हाइड्रोकार्बन था जिसका 1 मोल 2 मोल H2 से रिएक्ट करता है कैटोलिटिक हाइड्रोजनेशन में, और इसके 1 मोल का जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो 2 मोल्स आपको मिलता है मीथेन डाइकार्बल्डिहाइड, तो ये कौन सा होगा। तो देखो इसको एक तो रफ़ी सर के अकॉर्डिंग आप थिंक करो, कैसे सर थिंक करते हैं ध्यान से देखो, मुझे क्या बोला 2 मोल्स मीथेन डाइकार्बल्डिहाइड, मैं इस वर्ड को पकड़ूंगा, मीथेन मतलब 1 कार्बन और इस पे 2 अल्डिहाइड ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये होना चाहिए, ये हो गया आपका मीथेन डाइकार्बल्डिहाइड। और एक और इन्फॉर्मेशन दिया कि इसका 1 मोल 2 मोल H2 रिक्वायर्ड हो रहा है, इसका मतलब इसमें 2 ही पाई बॉन्ड है, ये यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला कि 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए मेरा ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है 1 3 5 पे। अब इनमें से होगा, ध्यान से देखो 2 मोल्स मीथेन डाइकार्बल्डिहाइड बनने का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तभी इसके 2 मोल्स मिले, राइट, और मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो 1 पे मिथाइल लगा हुआ है तो एक साइड, तो ये नहीं हो सकता। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन पे भी सिमेट्री होना चाहिए तो 1 4 में आमने सामने का होना चाहिए तभी सिमेट्री होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, ऐसे सोचना है आपको। नाउ अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा तो समझो कैसे, साइक्लोहेक्सा 1,4-diene क्या हो गया, साइक्लोहेक्सा 1,4-diene का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो वही कह रहा था मैं कि देखो मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, मॉलिक्यूल में जब सिमेट्री होगा तभी 2 मोल सेम मिलेंगे। अब आपको बताया कि आपको कैसे कट करना है, तो परपेंडिकुलर कैंची चला देना है, चला दिया और चला देना, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ध्यान से देखो यही CH2 सी डबल बॉन्ड OH, क्योंकि यहाँ पे H होगा, यहाँ पे भी H होंगे, यहाँ पे भी H होंगे, यहाँ 2 मोल सेम मॉलिक्यूल के मिल रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या रहेगा डी, 1 3 वाला नहीं हो सकता। तो आपको इस तरीके से थिंक करना है, ये सब क्वेश्चन टफ लेवल में आता है बट रफ़ी सर के ट्रिक से बहुत ईजी हैं। और एक आप ऐसे भी सोच सकते थे, चूंकि आपको ये दे दिया है मीथेन डाइकार्बल्डिहाइड का 2 मोल्स मिल रहा है, तो आपको बता रखा हूँ जोड़ने भी आना चाहिए, तो आप क्या करो CH2 सी डबल बॉन्ड O ये दिखा लो, इसका H और ये सी डबल बॉन्ड O इसका H, इसके 2 मोल्स हैं, तो ऐसा ही नीचे बना लो और सी डबल बॉन्ड O को सामने रखना है क्योंकि आपको वो हटाने भी आना चाहिए, तो ये ऑक्सीजन हटा दो, ये ऑक्सीजन हटा दो, आपका ये मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ये 4 ऑप्शन गिवन थे और पूछा जा रहा था कि किसको जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा ओजोनोलिसिस पे,
तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कुछ जो बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं कि इन सब में दो दो मिथाइल है, इसमें नहीं है तो यही डिफरेंट देगा, ऐसा नहीं होता, राइट। ध्यान से समझो, डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए तो आपको देखना है कि डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन कैसा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड पे एक है, इधर डबल बॉन्ड पे एक है, तो यहाँ पे भी वैसा ही है, तो इसमें सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। यहाँ पे भी देखो, डबल बॉन्ड पे एक है, इधर डबल बॉन्ड पे एक है, तो यहाँ पे भी। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो दो सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि आपको मालूम है आपको परपेंडिकुलर कट करना है। तो जब ये कट होगा तो सी डबल बॉन्डों पे दोनों साइड CH3 आएंगे, जबकि यहाँ पे ये कट होगा तो एक ही साइड CH3 आएगा, एक साइड नहीं आएगा। तो इसलिए यही आपको डिफरेंट प्रोडक्ट देने वाले, क्योंकि यहाँ पे अगेन कट होगा तो एक एक CH3 मिलेंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ये कोई कंपाउंड उसने लिया था और इसका दो रिएजेंट से रिएक्शन कराया, एक से तो ए मिला और ये कंपाउंड मिल रहा है, वाई से कराया तो बी मिला और ये सिमिलर कंपाउंड मिल रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन गिवन था, तो आपको एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई करना था। तो अब ध्यान से देखो, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है और डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है ओजोन वगैरह है, KNO4 ओजोनोलिसिस वाला कंसेप्ट है, आपको मालूम है इसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करना है तो ये जो कार्बन है इसके दोनों साइड कार्बन है, इसलिए ये कीटोन वाला फिक्स हो गया, चाहे ऑक्सीडेटिव वाला एजेंट यूज करो या रिडक्टिव वाला। चेंजेज कहाँ पे आने वाले हैं, ये वाले पे, राइट। एक ए मिला, एक बी मिला और ये कह रहा है कि अगर ए को फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो बी मिलेगा, इसका मतलब ये कौन हो गया, रिडक्टिव वाला, राइट, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज करें तो मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेटिव वाला है। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीडेटिव हो या रिडक्टिव हो, KNO4 डाइल्यूट तो यूज ही नहीं कर सकते, राइट, ये तो पार्सल में यूज होगा, तो ये गया, यहाँ भी डाइल्यूट है तो ये गया, अब इन दोनों में से कोई होगा, तो एक्स शुड बी रिडक्टिव, रिडक्टिव मतलब जिंक वगैरह लेना पड़ेगा, राइट, और वाई शुड बी ऑक्सीडेटिव तो KNO4, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि C4H8 एक एल्कीन है जो दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहे हैं, ए एंड बी, तो इन दोनों में से आपको पहचानना है कि एक क्या हो सकता है जब इसकी रिएक्शन KNO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कराया जा रहा है, तो एक तो गैस मिल रहा है उसको और एक कीटोन मिल रहा है, राइट। तो देखो रफ़ी सर कैसे सोच रहे हैं, गैस मिलने का मतलब क्या है, ये कब हो सकता है, चूँकि KNO4H+ लिया मतलब ऑक्सीडेटिव है, ये तभी हो सकता है जब सी डबल बॉन्ड सी हो और इसके दोनों साइड हाइड्रोजन हो, क्यों, क्योंकि इसको जब मैं ब्रेक करूँगा डैट मीन्स कॉर्नर पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसको जब ब्रेक करूँगा तो इधर ऑक्सीजन, राइट, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, समझ के बाद, और इधर में भी सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, और चूँकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे H है तो OH में चला जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेटिव है KNO4H+। फिर आपको मालूम है एक कार्बन पे दो H अनस्टेबल होते हैं तो वाटर को बाहर कर देना है, तो यहाँ से क्या जाएगा, CO2। इसलिए कभी भी ये वर्ड यूज हो, एफरवेसेंस ऑफ गैस मतलब CO2 है, और ये कब दे सकता है, जब आपका डबल बॉन्ड कॉर्नर वाले कार्बन पे हो। तो एक बात तो क्लियर है कि कॉर्नर पे होना चाहिए तभी ये होगा, कॉर्नर पे कहाँ पे है, वन इन पे है, राइट, टू पे तो नहीं हो सकता, टू पे नहीं हो सकता, और वन प्रोपीन या टू मिथाइल प्रोपीन तो यहाँ पे, इन दोनों में से होगा। दूसरा एक और बोल रहा है कीटोन मिलना चाहिए, कीटोन कब मिलेगा, जब इसके दोनों साइड क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, और कार्बन होना चाहिए यहीं से देखो तो टू मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपीन, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आपको ऐसे एग्जाम में सोचना है, तो अब ध्यान से देखो, सी सी डबल बॉन्ड सी अगर ऐसा होता और इस पे ही, क्योंकि मुझे कीटोन चाहिए सी डबल बॉन्ड हो क्योंकि इसको ब्रेक करना है, तो इस पे ही अगर सी होगा तभी मैं जब ब्रेक करूँगा तो ये मुझे कीटोन मिलेगा, राइट, सी डबल बॉन्ड हो दोनों साइड सी, और इधर दो हाइड्रोजन अगर होता डैट मीन्स टर्मिनल एल्किन होता तभी मुझे CO2 मिलेगा। तो कहीं पे भी अगर CO2 मिल रहा है तो एक बात क्लियर है कि आपका डबल बॉन्ड कॉर्नर वाले कारण पर होना चाहिए, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन आपको मालूम है ऑक्सीडाइज होकर के फिर से CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा इधर वाला, क्योंकि वाटर बाहर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप से पूछा गया है कि अगेन C4H8 है, उसको KNO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कर रहे हैं तो C3H6O मिल रहा है, उसी कंपाउंड का अगर ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो भी हमें सिमिलर कंपाउंड B ही मिल रहा है, तो A क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखो, अगर दोनों से सेम मिल रहा है तो ये तो आपको मालूम है कि ये ऑक्सीडेटिव है, डैट मीन्स ये भी ऑक्सीडेटिव है, राइट, और ये C3H6O मिल रहा है, एक ही ऑक्सीजन है मतलब ये कहीं ना कहीं कीटोन है, राइट,
और कीटोन है तो कैसे हम पता करेंगे, ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि अगर एल्डिहाइड होता तो उसको एच को एच कर देते एसिड, तो इसमें दो ऑक्सीजन आना चाहिए, एक ही ऑक्सीजन है, मतलब सी डबल बॉन्ड सी के इस वाले कारण पे दो मिथाइल तो चाहिए ही, दोनों कार्बन, तभी ये कीटोन बन पाएगा, तभी एक ऑक्सीजन है, क्योंकि ये कौन सा है, ऑक्सीडेटिव वाला है। अगर डबल बॉन्ड पे, आपको बता रखा हूँ, डबल बॉन्ड पे हेच होता है तो OH आ जाता है, इसलिए दो ऑक्सीजन यहाँ होते, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, पक्का कीटोन हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव है, इतना आपको सोचना पड़ेगा, और रफी सर हैं तो सोच भी लेंगे। तो ये तो आप ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ब्यूट टू इन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ध्यान से देखो, क्योंकि ये सिंपल वाले हैं, इस पर डबल बॉन्ड पे हेच है तो OH आएगा, तो ये नहीं होगा। साइक्लोब्यूटेन एन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एल्किन चाहिए, अब इन दोनों में से कोई होगा, साइक्लोप्रोपीन या टू मिथाइल प्रोपीन, तो ऑब्वियस सी बात है टू मिथाइल प्रोपीन, प्रोपीन बोले तो 1, 2, 3 और 1, 2 पे ही मिथाइल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, ऑक्सीजन ब्रेक किया तो यही आपका मिल जाएगा C3H6O, और दूसरे साइड में ये दो हाइड्रोजन वाले, तो यहाँ से वही CO2 गैस मिल जाता है, क्योंकि इसका सी डबल बॉन्ड हो और H को OH करते, इस H को OH करते और वाटर बाहर जाता तो CO2। ये क्यों नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हो, 1-methyl cyclopropene, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, ए। अगर इसको चाहो तो बना सकते हो, 1-methyl cyclopropene बोले तो ये हो गया राइट, और इस पे एक मिथाइल, तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 कार्बन, तो C4 हो गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, 4 और यहाँ पे 2, 6 और यहाँ पे 2, 8, तो यही हो गया, तो यहाँ तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं था आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि KNO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और हीट है, तो अगेन आपको मालूम है ऑक्सीडेटिव कराना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो क्या होगा, आपको बता रखा हूँ कि पहले आपको ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है, तो ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड O और ये बाकी चीज़ें जैसे हैं वैसे रहने देना है, और ये डबल बॉन्ड O, ध्यान से समझो मैंने क्या किया, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, तो इसको हटा दो थोड़ा सा राइट, अपने आप समझ में आ जाएगा, यहाँ पे सी है डबल बॉन्ड O, सी है डबल बॉन्ड O, इधर सी था डबल बॉन्ड O, और इधर 1, 2, 3, 4 कार्बन थे, तो 1, 2, 3, 4 आपको मालूम है इस डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन था राइट, तो हाइड्रोजन था तो क्या करना पड़ेगा उसको, OH, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, सिंपल। और अगर रिडक्टिव होता तो H रहता, एल्डिहाइड बन करके रह जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में इसकी अगेन ओजोन और ZnH2 है, तो रिडक्टिव करना पड़ेगा राइट, तो आपको क्या करना है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और ये भी ब्रेक करना है, तो ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये कार्बन है और इस पे दो हाइड्रोजन है, तो रिडक्टिव ही करना है, तो ये वाला कार्बन ले रहा हूँ तो मैं डबल बॉन्ड हो उसको भरा कट करने के बाद, और दो हाइड्रोजन इसके पहले गए थे, इधर वाला लोगे ध्यान से देखो, तो ये आपका डबल बॉन्ड O रह जाएगा राइट, और दोनों तरफ इसके कार्बन थे, यहाँ पे ये कार्बन आ जाएंगे, ये पाई बॉन्ड जब आपने ब्रेक किया है तो ये सी डबल बॉन्ड O, इसका H रह जाएगा क्योंकि रिडक्टिव है, और ये सी डबल बॉन्ड O और इसका H रह जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि कभी कभी रिवर्स पूछा जा सकता है, तो इसलिए इन सबको ऐड करके ऑक्सीजन हटा देना आपको, तो ये दोनों यहाँ से ऐड हो जाते तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आता, ये दोनों यहाँ से ऐड हो जाते तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाता। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10, ब्यूट टू इन KNO4 H+ ऑक्सीडेटिव हो जाएगा राइट, तो ब्यूट टू इन बोले तो आपका ये हो गया, और इसको ब्रेक कर देना है चूँकि इस पर H भी है, तो H किस में चला जाएगा, OH में, तो आपको दो मॉलिक्यूल क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड, इसके दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो बहुत ईजी है। और अगेन अगर मान लो कि बैक क्वेश्चन पूछा जाता कि दो मॉलिक्यूल ये मिला है तो क्या होगा, तो हमने बताया आपको OH जहाँ पे भी होगा उसको पहले H में कर देना, तो ये H कर देना, उसके बाद सी डबल बॉन्ड O को सामने करके बाहर निकाल देना, तो आपको बैक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। और नेक्स्ट कि कोई कंपाउंड ए है उसका रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस कर रहे हैं, तो इथेन 1,2 डाइकार्बनडिहाइड और ग्लियोक्सल या ऑक्सलडिहाइड मिल रहा है, और बी कंपाउंड काम कर रहे हैं ओजोन एनालिसिस रिडक्टिव, तो 5-oxohexanal, तो ए एंड बी पहचानना था, तो ध्यान से देखो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। इथेन 1,2 डाइकार्बनडिहाइड, अल्डिहाइड जो है वो डॉन फंक्शनल ग्रुप है, तो इथेन 1,2 लिखने का मतलब क्या है कि दो कार्बन रहा होगा और इस पे सी डबल बॉन्ड OH होगा राइट, इस पे सी डबल बॉन्ड OH होगा, तो ये हो गया आपका इथेन डाइकार्बनडिहाइड 1,2, ये 1,2 क्योंकि अल्डिहाइड मैन
चेन या पेरेंट चेन में नहीं आ पा रहा। और ग्लियोक्सल किसको बोलते हैं, दो एडजेसेंट पे अल्डिहाइड हो तो इसको बोलते हैं ग्लियोक्सल या ऑक्सल डिहाइड। तो आपको मालूम है दो फ्रेगमेंट, तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा प्रोडक्ट ये निकालना है। तो क्या करेंगे, अटैच करेंगे, राइट। तो अटैच कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, CH2, इसका ध्यान से देखो सी डबल बॉन्ड ओ सामने में रखा और एच, इसका भी सी डबल बॉन्ड ओ सामने में रखा और एच, और इसका ध्यान से देखो यहाँ पे मैं सी लिया डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी लिया डबल बॉन्ड ओ और एच एच सामने में रखा, और क्या करना मुझे, ऑक्सीजन को निकाल देना है। तो ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स मेंबर की ये रिंग बन गए। और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर नंबरिंग करोगे तो आप कहीं से भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर इसको मैं ओजोनोलिसिस करूँगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ यहाँ ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ यहाँ ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखो, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इधर CH2, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो यही मिल जाएगा। तो इसलिए ए हमारा जो है वो ये हो चुका है, डैट मीन्स आपका ए जो है वो ये है, साइक्लोहेक्स 1,3-diene है। और रही बात इसकी 5-oxohexanal को कैसे पहचानेंगे, तो आप ध्यान से देखो 5 पे ऑक्सो और हेक्सेनल, हेक्सेनल अल है, राइट। तो 6 कार्बन, तो 6 कार्बन की चेन बना दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी पे सी डबल बॉन्ड ओएच होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सेनल हो गया, और 5 पे ऑक्सो, तो ये। अब इसका आपको कैसे बनाना है, तो वेरी सिंपल, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप, तो ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4 और ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो 5, 5 कार्बन की एक रिंग बना देनी है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे एक आपका मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो आपका ये हो जाएगा बी। और अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्डों को सामने करना मुझे, बीच में कितना कार्बन है, ध्यान से देखो 1, 2, 3 कार्बन है, तो राइट, तो 1, 2 और ये 3 कार्बन, ये थर्ड कार्बन पे ये सी डबल बॉन्ड ओ है और इधर मिथाइल निकला हुआ है, और इधर वाले कार्बन पे आपका ये सी डबल बॉन्ड ओ और एच था, और इसको आप बाहर निकाल दो। तो आप ध्यान से देखो यही बन गया कि नहीं, कैसे, तो आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग बना देना आपको, राइट, 3 और ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड पे मिथाइल, तो ये और ये सेम है, राइट, कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही बात है। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ध्यान से देखो, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में ओजोनोलिसिस वाले में या ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन में कि वन प्रोडक्ट आपको CO2 मिल रहा है या एफर्विसेंस की बात कर रहा है, तो इन डैट केस पक्का आपको टर्मिनल एल्किन होगा ही। टर्मिनल एल्किन मतलब कॉर्नर वाले कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन होना चाहिए, एकदम लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है जब मैं इसका ऑक्सीडेटिव करूँगा तो यहाँ ओ, यहाँ ओ भरेगा, राइट, और फिर ये एच ओ एच में चला जाएगा, ये एच ओ एच में चला जाएगा, एक कार्बन पे 2H अनस्टेबल, तो वाटर के फॉर्म में बाहर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये वाला कार्बन, इधर से एक ऑक्सीजन, इधर से एक ऑक्सीजन, तो CO2 मिल जाएगा। तो कहीं पे भी CO2 की बात हो रही है ओजोनोलिसिस के केस में या ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ऑफ एल्किन के केस में, तो पक्का टर्मिनल पे डबल बॉन्ड होगा। दूसरा, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको क्वेश्चन में मिल रहा है कि अल्डिहाइड मिल रहा है, तो अल्डिहाइड से हमें पता लग जाएगा कि पक्का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, डैट मीन्स ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर है या Me2S वाटर है। अल्डिहाइड अगर एक भी प्रोडक्ट अगर अल्डिहाइड दिख रहा है तो क्यों, क्योंकि जब भी आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो आइदर दोनों प्रोडक्ट आपको जो फ्रेगमेंट है दोनों कीटोन हो सकता है, दोनों एसिड हो सकता है, या फिर इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है, कीटोन एंड एसिड, यू ऑलरेडी नो, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव में जो डबल बॉन्डेड वाले हेच हैं वो किस में चले जाएंगे, OH में, इसलिए एसिड बन जाएगा, और अगर हेच नहीं होगा तो कीटोन हो जाएगा क्योंकि कार्बन होगा। बट अगर रिडक्टिव हो रहा है तो एक प्रोडक्ट तो कीटोन हो सकता है, दूसरा अल्डिहाइड होगा, राइट, या दोनों ही कीटोन हो सकते हैं, या दोनों ही अल्डिहाइड हो सकता है, या फिर इनका मिक्सचर होगा। तो इसलिए कहीं पर अगर एसिड आ रहा है मतलब ऑक्सीडेटिव है, और अल्डिहाइड आ रहा है तो रिडक्टिव है, क्योंकि कीटोन तो दोनों में कॉमन है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन आई एम टेलिंग, ऑक्सीडेटिव में एसिड आएगा उससे पहचान जाएंगे, रिडक्टिव में अल्डिहाइड जरूर आएगा तो उससे हम पहचान जाएंगे, राइट, कीटोन तो दोनों में कॉमन है। नाउ
कभी कभी जो बैक प्रोडक्ट आपको थिंक करवाएगा और अगर ऑक्सीडेटिव वाला प्रोडक्ट दे दिया तो आपको क्या करना है, पहले OH को पहले हेच कर देना है, OH को पहले हेच कर देना है, फिर उसके बाद आपको मालूम ही है सी डबल बॉन्डों को सामने कर करके ऑक्सीजन बाहर कर देना है, सी डबल बॉन्ड बना देना है। एल्कीन ऑपरेशन कि हम एल्कीन का अब क्या करेंगे, पार्शियल ऑपरेशन करेंगे, समझ लो। पार्शियल का मेरा सेंस यहाँ पे क्या है कि पार्शियल मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे को पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। एल्कीन में जो डबल बॉन्ड होते हैं तो उसमें एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, राइट, तो सिर्फ पाई को ब्रेक करना है जो कि एक वीकर बॉन्ड है इसलिए वही पहले ब्रेक होगा और उस पाई की जगह दो सिग्मा फॉर्म्ड होंगे जो कि एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो आप ही सोचो अगर वीक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ऐसे केस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, इसलिए ये वाला जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होगा। नाउ ऑक्सीडेशन या ऑपरेशन क्यों बोल रहे हो सर, तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में कि एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, दैट मीन्स कार्बन पे उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आएंगे इसलिए हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, राइट। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसको बोलेंगे क्योंकि जब भी रिएक्शन में जो सबसे पहले अटैक करता है उसके बेस पे नाम आता है रिएक्शन का, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर एडिशन क्यों बोलो, ध्यान से देखो आपके पास जो एल्कीन होगा उसमें ये सिग्मा हो गया, राइट, ये सिग्मा हो गया तो ये वाला पाई इसको ब्रेक कर देना आपको, तो ये पाई ब्रेक होते ही ये वाले कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई और ये वाले कार्बन की, तो आपको पूरे रिएजेंट में पहचानना है कि प्लस कौन है और माइनस कौन है, राइट, प्लस और माइनस कौन है, क्योंकि ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो मान लो इस कार्बन पे आपने इधर किया तो इस पे अगर माइनस आया तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, सिंपल समझो एकदम, राइट। डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो एक कार्बन पे माइनस एक कार्बन पे प्लस, तो ऑब्वियसली बात है ये प्लस वाला इसके पास आएगा और माइनस वाला इसके पास आएगा, या वाइस वर्सा अगर उल्टा ब्रेक किया तो एक बात तो क्लियर है कि प्लस के पास माइनस जाएगा और माइनस के पास प्लस, सेम चार्ज वाले एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, रिपेल होंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको रिएजेंट जो भी गिवन होगा उसमें प्लस और माइनस पहचान लेना है और उस प्लस माइनस को डबल बॉन्ड हटा कर करके एक एक कार्बन पे लगा देना है, राइट, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक स्कीम में दिखाया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा चीज ऐड हो रहा है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा रहा, चिपक रहा है, इसलिए बोलेंगे एडिशन, ऐड हो गया। और चूंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले इस रिएक्शन को इनिशिएट करता है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, इसलिए बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नाउ ये जो प्रोसेस होगा एडिशन का प्लस माइनस का वो डेफिनेटली फिर दो तरीके से हो सकता है और ये माइंड आपका पहले सोच लिया होगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड पे जब एडिशन होगा तो दो तरीके से हो सकता है, एक होगा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, तो ये तो केमिस्ट्री का लैंग्वेज होगा। रफ़ी सर का लैंग्वेज क्या है कि भाई नॉन क्लासिकल का मतलब है कि आपका डबल बॉन्ड जहाँ पे है वहीं पे आप ऐड कर रहे हो, मतलब कोई शिफ्टिंग नहीं, राइट, तो इसलिए मैंने देखो हिंदी में लिखा है जस्ट आपको समझाने के लिए कि जहाँ पे पाई बॉन्ड है अगर वहीं पे ऐड हो रहा है, जैसे ये दो कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, इसी दो कार्बन पे अगर ऐड कर दिया आपने प्लस माइनस को तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होंगे और इसके जो रिएजेंट है वो फिक्स हैं, टोटल 5 रिएजेंट हमने दिखाए हैं, बस इतना ही ध्यान में रखो, इससे बाहर कुछ नहीं है। क्या क्या रिएजेंट है, BH3 13 ग्रुप वाला बोरॉन, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH-, राइट, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो भी हम डिस्कस भी करेंगे, HgOAc2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं, KMnO4, ध्यान रहे KMnO4 कोल्ड एंड डायलूट कंडीशन में, तो इस केस में भी यही होगा, हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या HOX गिवन हो, राइट, और हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट या सिर्फ हेलोजन गिवन हो, ये 5 ऐसे केस हैं जो फिक्स हैं और यही ध्यान में रखना है, ये 5 केस में आपको जहाँ पे पाई बॉन्ड होगा वहीं पे प्लस माइनस को ऐड कर देना है, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा वो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। दूसरा वो केस जहाँ पे क्लासिकल कार्बोकैटायन की बात होगी, डैट मीन्स जहाँ पे पाई बॉन्ड है वहाँ पे भी ऐड हो सकता है अगर वही सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन है तो, अदरवाइज पहले शिफ्ट होगा, कार्बोकैटायन शिफ्ट होंगे फिर उसके बाद ऐड होगा, तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, वहीं पे भी ऐड हो सकता है या फिर घूमने के बाद, समझे, दैट मीन्स शिफ्ट होने के बाद ऐड होंगे, तो फिर वैसे मैकेनिज्म को बोलेंगे क्लासिकल, और उसके भी हमारे पास दो ही हैं, एक HX का एडिशन, X यहाँ पे क्या, हेलोजन CLBr, राइट,
और H प्लस एच टू ओ का एडिशन। तो आई होप पहले ये मेरा फंडा क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की। तो ट्रिक्स का पॉइंट वेरी सिंपल है, जब भी एल्किन का पार्शियल ऑक्सीडेशन या ऑपरेशन करेंगे तो ट्रिक का पॉइंट क्या है कि ध्यान से देखो, जिन दो कार्बन, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा, आपको बिल्कुल क्लियरली समझना है, बहुत सिंपल पॉइंट है। जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है, क्योंकि उसमें एक सिग्मा होगा, तो सिग्मा को ब्रेक नहीं करना है, पाई को ब्रेक करना है। क्यों? क्योंकि पाई वीक होता है, तो कमजोर वाला पहले ब्रेक होगा, उसको ब्रेक कर देना है। उसको ब्रेक करने की वजह से उन दो कार्बन को रिएजेंट का जो एक प्लस और माइनस वाला पार्ट होगा वो देना, डैट मीन्स सिग्मा के साथ उसको लगा देना है, डैट मीन्स एक पाई ब्रेक होगा और दो सिग्मा बन जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि रिएजेंट कौन कौन होंगे जो ऐसा काम करेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन वाला, जहाँ पे पाई बॉन्ड है वहीं दो कार्बन पे लगाना है, यहाँ पे शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, ये ध्यान रहे। नाउ पहला जो इसका रिएजेंट है वो BH3 लिख के दे सकता है, डैट मीन्स बोरॉन 13 ग्रुप वाला, या फिर BH3O2 लिख के दे सकता है, या B2H6, इन तीनों में से कोई भी दे दे, एक ही बात है। इससे क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन। बात समझ में आ गया? इससे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लिया होता तो क्या मिल जाता? ड्यूटेरियम, डी हो जाता। BD3 लिया होता तो डी मिलता मेरे को, तो एक डी ऐड करना है डबल बॉन्ड पे। दूसरा जो है उसी में कनेक्टेड रहेगा H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम OH-, तो इससे क्या मिलेगा आप ध्यान से देख सकते हो? OH। तो डैट मीन्स इस रिएजेंट से हमें क्लियर हो गया, एक H लेना और एक OH। H कौन देगा वो भी क्लियर है, डाइबोरेन देगा, और OH कौन देगा? परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। H और OH ऐड करना है। H कहाँ ऐड करना है? तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, H वहाँ ऐड करना है जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है। इस केस में आप हाइड्रोजन को, ये जो BH3 या B2H6 है, इससे जो हाइड्रोजन मिलेगा उसको कहाँ ऐड करोगे? उस कार्बन पे जिसके पास कम हाइड्रोजन है, डैट मीन्स डबल बॉन्डेड वाले दो कार्बन है, तो उन दो कार्बन में देख लो कि किसके पास कम हाइड्रोजन है, उस पे उसको हेच देना है, डैट मीन्स उसको और हेच बढ़ा देना है एक तरीके से, समझ के बाद। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकब, और इस रिएजेंट या इस रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूँगा HBO। ओके, इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है जब मरकरी इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में गिवन हो, HgOAC2 लिख के दे देगा, या HG और इतना बड़ा दे देगा, ये दे करके बच्चे डर जाते हैं, वही बात है, इसको ओपन करके लिख दिया और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा ये, तो इससे क्या मिलेगा? इन पूरे से आपको OH मिलने वाला है, क्या मिलेगा? OH और सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ से क्या मिलेगा? H। और इसका उल्टा करना, इसका उल्टा करना मतलब H अब कहाँ पे जाएगा? उस कार्बन पे जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा H है, डबल बॉन्डेड वाले वो कार्बन जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी पे H देना है, इसलिए ये मार्कोनिकब कहलाता है। और इसका नाम होगा, पहले मरकरी ऐड होता है तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और बाद में इस रिएजेंट के ऐड करने से उसको रिमूव करते हैं तो डीमर्क्यूरेशन, OMDM शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। तो ये दो रिएजेंट हो गए, और है तीन और रिएजेंट जो यही काम करेंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे ऐड करना है, तो वो तीन रिएजेंट मैं आगे दिखा रहा हूँ। और नेक्स्ट थ्री जिस पे ये आपको कराना है, डैट मीन्स डबल बॉन्ड जहाँ पे वहीं पे ऐड होगा, वो ये है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड एंड डायलूट कंडीशन गिवन हो, KMnO4 273 केल्विन या लो टेम्परेचर कोल्ड एंड डायलूट KMnO4, ये सब कुछ भी लिखा हो, तो इससे आपको क्या लेना है? दोनों OH लेना है, मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों कार्बन पे OH लगाना है। इस रिएजेंट का नाम बियर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, और ये डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि KMnO4 का पर्पल कलर डीकलराइज हो जाएगा, राइट। उसके बाद फोर्थ जो रिएजेंट यूज कर सकता है वो X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, डैट मीन्स कोई पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो जब हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऐसे करके दे सकता है, या ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो HOX फॉर्म करेंगे, तो इसमें OH- और X+ है, तो एडिंग पार्ट ये दोनों है, एक जगह पे हैलोजन जोड़ना और एक जगह पे OH, राइट। और ये प्लस है, ये ध्यान रहे, और ये माइनस है। और सिमिलरली फिफ्थ वही हैलोजन है लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इन दैट केस दोनों केस में हैलोजन ही ऐड होंगे, राइट। एक हैलोजन पे प्लस, एक हैलोजन पे माइनस, जैसे Cl2CCl4, Br2CCl4, तो आपको कैसे पता लगेगा? नॉन पोलर कोई भी सॉल्वेंट दे दे तो ये करना है, तो ध्यान से देखो। तो थर्ड नंबर
और फिफ्थ नंबर में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का जो एडिंग पार्ट है वो सेम है, यहाँ OH OH ऐड होंगे और यहाँ XX ऐड होगा, तो किसी भी कारण पर ऐड कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पे पड़ने वाला है? पहले वाले दो में, OMDM में, HBO में, और ये फोर्थ वाले में, कि कौन से कारण पर ऐड करना है, इधर वाले या उधर वाले। तो इस केस में आपको X वहाँ पे अटैच करना है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो, जहाँ पे ज़्यादा H होगा वहाँ पे X ऐड करना है। डैट मीन्स और हम बोले तो X को वहाँ पे ऐड करना है जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे कौन जाएंगे? OH माइनस। तो ये ध्यान रखना, इसको लेस स्टेबल कार्बन कार्बोकैटायन पे ऐड करना और इसको मोर स्टेबल पे। तो आपको क्लियर है राइट? आपको मैंने बता दिया HBO में क्या करना है, OMDM में क्या करना है। इन दोनों में तो दिक्कत ही नहीं है क्योंकि दोनों से सेम पार्ट ऐड होने वाले हैं, और इसमें X प्लस को लेस स्टेबल पे और OH माइनस को मोर स्टेबल कार्बन पे ऐड करना है। तो चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर वन, ये एल्कीन है B2H6H2O2NOH, राइट? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया, आपको मालूम है इससे क्या मिलने वाला है? H, और इससे क्या मिलने वाला है? OH। इस H को कहाँ ऐड करना है? जहाँ पे, तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है क्योंकि यहाँ पे एक ही, यहाँ पे दो है, तो ये H आपका कहाँ पे आने वाला है? इस कार्बन पे। और ये OH कहाँ जाने वाला है? इस कार्बन पे। और ये पाई बॉन्ड को आप क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो CH3, बाकी चीज़ें जैसे है वैसा ही, CH2। इस कार्बन पे कम हाइड्रोजन था तो H आया, और इस कार्बन पे OH, जो पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ तो ये ओपन हो गया, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू में ध्यान से देखो अगेन, इससे आपको अगेन क्या मिलने वाला है? H, और इससे OH, बस यही पहचानना है राइट। और अगेन ये H कहाँ पे जाएगा? तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो ये वाला H आपका यहाँ पे जाएगा राइट। तो आपका प्रोडक्ट पहले केस में क्या बनेगा? C पे CH3, इस कार्बन पे H और CH2, पाई बॉन्ड हमने हटा दिया है राइट, और इस पे H देना है और इस पे OH देना है, हो गया। बट इस केस में HgOH2 और NaBH4 में, तो आपको मालूम है इससे OH मिलेगा और इससे H, ये वाला H आप कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। तो इस केस में क्या होने वाला है? बाकी चीज़ें को आपको वैसे ही रखना है, ये देखो मैंने वैसे ही रख दिया, सिर्फ ये पाई बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया और यहाँ पे दो सिग्मा से ओपन किया, और इसका हेच किसको जाएगा? जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हेच था, तो इसके पास था, तो यहाँ हेच और यहाँ क्या गया? OH। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, अगेन HgOC2 है राइट, तो इससे आपको क्या मिलेगा? OH, और इससे क्या मिलने वाला है? हेच। तो ये हेच कहाँ ऐड करना है? उस कार्बन पे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पे पहले दिखा लो, यहाँ पे बाय द वे दो हाइड्रोजन ऑलरेडी है और यहाँ पे सिर्फ एक ही है, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाते हैं, तो ये कार्बन ने तीन बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन ने दो ही बॉन्ड बनाया तो दो हाइड्रोजन होगा। ये हेच कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन है तो मतलब यहाँ पे जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है? बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देना राइट, ये हो गया आपका, और यहाँ पे आपका हेच आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, सिंपल। नाउ इस केस में अगेन BH3THF है, तो इनसे आपको क्या मिलेगा? हेच, और इनसे क्या मिलने वाला? OH। इसका हेच कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे बाय द वे आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन ही नहीं है राइट, क्योंकि कार्बन ने चार बॉन्ड बना लिया, तो यह हाइड्रोजन आपका इस कार्बन पे आएगा। तो बस बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देना है। तो ये कार्बन पे दो हाइड्रोजन पहले से था, उस पर OH आ जाएंगे और इस कार्बन पे आपका हेच आ जाएगा, सिंपल। तो इसमें एक तरह से ध्यान से देखो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है और इसमें 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ये वाले का कंसेप्ट मैं आपको दे रखा हूँ एल्कीन एडिशन में, उस वीडियो लेक्चर में भी देख सकते हो। यहाँ पे ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है ध्यान से देख सकते हो, ट्रांस है, और ट्रांस को हमने बोला था कि माइनस मानो, ये जो एडिशन होता है वो भी एंटी होता है, तो ये माइनस 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 प्लस, प्लस मतलब सेम साइड, तो आपको क्या करना है? ये इस तरह से ड्रा कर लेना, ये CH3, ये CH3, ये आपका CH3 यहाँ लग गया, ये CH3 आपका यहाँ लग चुका है राइट, और ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये ट्रांस है, माइनस में एडिशन एंटी है, तो उसको भी माइनस लेते हैं, माइनस माइनस प्लस मतलब दोनों BR एक साइड होना चाहिए, तो आप ऐसे ऐड कर दो।
तो एक ये हो गया, एक इसका मिरर इमेज बनाओगे तो वो हो जाएगा राइट। बट दोनों कंपाउंड सिमिलर होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ चुका है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसलिए ये कौन सा कंपाउंड है, मीजो, मीजो आइसोमर है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाए तो एक ही बताएंगे। सिक्स में यहाँ पे जो आपको कन्फिगेशन है, दोनों मिथाइल एक साइड है तो ये सिस है। सिस को मैंने बोला था प्लस एज्यूम करो, बीआर टू का एडिशन एंटी होता है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस का क्या मतलब हुआ, दोनों मिथाइल को अप डाउन देखाओ। और ये प्लस माइनस माइनस का मतलब आपको समझाया था कि बीआर अपोजिट साइड में, तो एक बीआर इधर होगा तो एक बीआर इधर राइट। तो ये मिलेंगे और ये खुद हो गया और एक इसका मिरर इमेज होगा राइट। यहाँ से देखो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मिरर इमेज को मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो मिरर इमेज में जो मिरर के पास होंगे वो दिखेंगे राइट। तो ये तो ऊपर वाले और नीचे वाले मिथाइल सेम रहेंगे, हेच पास में आ जाएगा तो आपका बी आर इधर आ जाएगा, और इधर में बी आर आ जाएंगे तो इधर हेच। तो ये एक बन गया और एक ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों इनान्शियोमर कहलाएंगे। तो इसलिए इस केस में मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाता तो दो, बट इस केस में वन, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, क्यों? ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये मीजो कंपाउंड कहलाते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बट इंडिविजुअल की बात करें ये या फिर ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बाय द वे इसके बारे में एडिशन कैसे करना है आपको पूरा एक ट्रिक दे रखा हूँ मैंने वीडियो लेक्चर में, एल्कीन एडिशन वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, एल्कीन है KNO4 H2O2, ध्यान से देखो टेम्परेचर, तो डैट मीन्स ये डायलूट कंडीशन में है क्योंकि वाटर है और लो टेम्परेचर है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और इससे क्या मिलेगा, बता रखा हूँ आपको OH। तो इसलिए यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, दोनों कार्बन पे OH ही आना है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, बस OH लेकर के आ जाना। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, कि अगेन ये एल्कीन है डायलूट KNO4 राइट। डायलूट मतलब वाटर हो गई, तो आपको मालूम है कि इससे क्या क्या मिलने वाला है, OH और OH। चूंकि दोनों पार्ट सेम है इसलिए आपको इसमें सोचना ही नहीं है, बस डबल बॉन्ड पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपका एक OH आ जाएगा और एक OH यहाँ पे आ जाएगा, वेरी सिंपल। इस केस में ध्यान से देखो, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दिया है, या फिर इसी को कैसे दे सकता था, HOCl करके भी। तो आपको बताया था इसमें Cl पे प्लस है और OH पे माइनस है। तो पहले ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर इस कारण पर अटैक करे तो ये नेगेटिव को इधर रख सकते हैं राइट, क्यों समझा रहा हूँ ध्यान से देखो, CH3 इस पे प्लस और CH2 इस पे माइनस। अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या फ़ायदा होगा, कार्बेनाइन 1 डिग्री स्टेबल है, कार्बोकटाइन 2 डिग्री स्टेबल है, इसलिए हमें ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले ये Cl इस पे अटैच होगा, तो फर्स्ट केस में आपका क्या बन जाएगा, CH3 पे प्लस CH2 Cl, ये हो जाएंगे राइट, एक तरह से समझने के लिए। और फिर उसके बाद आपका OH- इस पे अटैच हो जाएगा, तो आपका क्या बनने वाला है फिर, CH3 CH CH2 Cl और OH। इसीलिए मैंने बोला था आपको ट्रिक में कि Cl को वहाँ पे ऐड करना जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो और OH को वहाँ पे जहाँ पे लेस हाइड्रोजन हो। डैट मीन्स पहले आपको देखना है कि कार्बोकटाइन कहाँ पे स्टेबल हो रहा है, सिंपल सा बात है, वो ध्यान रखना है राइट। क्वेश्चन नंबर 10, ये बड़े स्ट्रक्चर देख करके बच्चे डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है बेटा, रफ़ी सर आपके साथ हैं। कैसे, ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड है राइट, बेंजीन वाले को नहीं टच करना है। क्यों नहीं टच करना है, क्योंकि ये घूम रहे हैं तो ये पकड़ नहीं पाएगा, घूम रहे मतलब समझे ना, रेजोनेंस हो रहा है। तो आपको मालूम है कि इससे क्या मिलने वाला है मुझे, OH, और इससे क्या मिलने वाला है, H कहाँ पे ऐड करना है ये भी बता रखा हूँ। इस केस में H वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है तो इस कारण पे अटैच होगा, तो बस उसका प्रोडक्ट बना दो। इसको क्यों नहीं किए सर, यहाँ तो वही डबल बॉन्ड था, इसको टच नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये मिलेंगे नहीं, घूम रहे होंगे राइट। तो CH2 उसका दिए CH2 लिख लो, आपको पता है कि हाइड्रोजन इसी पे आएगा, तो इस पे H लगाओ, इस पे OH, आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा राइट। ये ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11, अगेन इस टाइप से दे दिया, एक बार HBO ऐसे और पे लिख सकता है राइट। HBO का मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, डैट मीन्स आपको कौन सा रिएजेंट लेना, वही BH3 H2O2 H- और OMDM कहीं पे लिख दे तो ये वाला ही रिएजेंट हो जाएगा राइट। करना क्या आपको मालूम है, दोनों में एक दूसरे का उल्टा होना है। करना क्या है, इससे जो आपको H मिल रहा है वो कहाँ पे जाएगा, वो वाले पे जिस पे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है। कम हाइड्रोजन किस पे है, इस कारण पे, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ ऐड करना है। तो OH इसका कहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये वाले कार्बन पे।
तो देखो कुछ नहीं करना आपको, बाकी जो चीज़ें जैसे बनी है यहाँ पे OH लगा देना क्योंकि H आ चुका है। और इसमें क्या करना है, उसका उल्टा करना है। उसका उल्टा करने का मतलब क्या हो गया कि आपका यहाँ पे OH आ जाएगा। तो बाय द वे यहाँ पे ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया और ये अभी भी 1 डिग्री है। तो आप ध्यान से देख सकते हो HBO में मेजरली 1 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे, जबकि OMDM में 2 डिग्री भी मिल सकता है, 3 डिग्री डिपेंडिंग की क्या लगा हुआ है। आज के वीडियो लेक्चर में डिफरेंट ये होगा कि जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उन पे भी ऐड हो सकते हैं या फिर उनको छोड़ करके दूसरी जगह पे भी ऐड हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या रिएजेंट होंगे और कैसे करना है वो आप देखिए इस वीडियो लेक्चर में। तो ध्यान से देखिए ट्रिक का पॉइंट कि अगर कहीं पर भी आपको H+H2O दिख जाए, एक तो रिएक्टेंट फिक्स हो गया एल्कीन होगा राइट, एल्कीन के साथ H+H2O दिख जाए या उसी को H3O+ भी लिख सकता है राइट, या फिर HCl HBr विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 HCl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 राइट, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए क्योंकि अगर पोलर सॉल्वेंट हो गया तो आपको बता रखा हूँ कि फिर वो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा और जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्डेंगे उन्हीं दो कार्बन पर ऐड होंगे, बट यहाँ पे वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं या शिफ्ट होने के बाद भी। तो ये दो रिएजेंट फिक्स हो गए कि एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ H+H2O दिख जाए या H3O+, और एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl HBr दिख जाए इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो करना क्या है, तो वेरी सिंपल, आपको कार्बोकैटायन बना लेना है। कौन सा साइड, क्योंकि दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इस कारण पे बनाना है कि उस कारण पे, तो उधर बनाना है जिधर स्टेबल हो जाए वो कार्बोकैटायन राइट। स्टेबल साइड पहले कार्बन पे प्लस ले आना है, कार्बोकैटायन बनाना है, फिर अगर वही सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन है तो वहीं पे ऐड कर देना है, अदरवाइज अगर शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले रीअरेंज कराना है, उसके बाद आपका निगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है। ट्रिक का ये पॉइंट है, समझ गए। और ये कब करना है, जब ये दो रिएजेंट आप लेंगे, पहले वाले रिएजेंट लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, क्योंकि एक कार्बन पे H जाएगा और एक कार्बन पे OH, डैट मीन्स अल्कोहल मिल जाएगा इस केस में आपको, तो इसलिए उसका नाम रहेगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और अगर दूसरा वाला रिएजेंट लोगे तो एक कार्बन पे H जाएगा और एक कार्बन पे आपका हेलोजन X जाएगा राइट, तो इसलिए उसका नाम होगा हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एक पे हाइड्रोजन जाएगा, एक पे हेलोजन, वो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हाइड्रोजन हेलोजन जाएंगे या अलग कार्बन पे, वो डिसाइड होगा यहाँ से, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट वीडियो लेक्चर में बताया है आपको। नेक्स्ट जो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, HBr, सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में, और पर ऑक्साइड होगा तो ध्यान दे, ओनली HBr होगा तो HCl होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, HI होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड दिख जाए, पर ऑक्साइड कैसे दे सकता है H2O2, कोई भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच पर ऑक्सी लिंकेज हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो अगर HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड दिख जाए तो उस केस में आपको ध्यान देना है जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वहीं पे आपको ऐड करना है ब्रोमीन, यहाँ पे वही दो कार्बन पे ऐड होंगे, और ऐड कैसे करना है तो एंटी मार्कोनिकव। एंटी मार्कोनिकव का मतलब क्या हो गया कि ब्रोमीन को वहाँ पे ऐड करो जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है। पॉइंट को क्लियरली समझेंगे, इस केस में जब भी HBr परऑक्साइड होगा तो जो दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होंगे वहीं पे एक पे H जाएगा और एक पे Br जाएगा। H किस पे जाएगा वो छोड़ो, Br किस पे जाएगा वो क्लियर है हमें, Br को आपको उस कार्बन पे ऐड करना है जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। इस इफेक्ट का नाम को बोलते हैं खराश इफेक्ट, एक और नाम दिया जाता है, बट ये कौन सा करेगा, ओनली HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। अगर सिर्फ HBr होता तो आप ध्यान से देखो फिर यहाँ आ जाता, पर ऑक्साइड होगा तब ये करना है। और तीसरा हेलोजन लाइक Cl2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट लिखा हो या H2 फ्रीक्वेंसी लिखा हो या UV लाइट लिखा हो, इस टाइप से कुछ भी लिखा हो और क्लोरीन या ब्रोमीन हो, तो इस केस में बिल्कुल अलग चीज़ है, एलाइलिक पोजीशन पे आपको हेलोजन लगाना है। कहाँ पे, एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन का क्या मतलब है, जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन पे, और वो कार्बन क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3, डैट मीन्स वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो उस पे आपको क्या लगाना है, हेलोजन लगाना है। बात समझ में आ गई, तो अब हम बात करते हैं इसके अप्लीकेशन की।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन कि ये एल्कीन है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस H2 है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको बताया कि पहले आपको कार्बोकैटायन बना देना, राइट। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इस कारण पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, तो मैं जस्ट बना के दिखा रहा हूँ। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि हमने क्या किया, ध्यान से देखो, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, इससे क्या मिलने वाला है, एक हेच और एक ओ एच, पहले हेच प्लस को ऐड कर देना है। तो H प्लस एक्चुअली किस कारण पे गया, इस कारण पे। इसी पे क्यों ऐड किए, क्योंकि यहाँ पे ऐड करने से क्या फ़ायदा हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस आया और ये प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल होंगे, कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, इसलिए आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद आपको OH लगा देना है। अभी ये कार्बन पे प्लस जो चार्ज है वो यहीं पे रहेगा, क्योंकि यही सबसे इसकी स्टेबल पोजीशन है, तो अभी ये कहीं पे भी रीअरेंज नहीं होगा। तो आप OH फिर ऐड कर दो और आपको ये मिल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, ओके। क्वेश्चन नंबर टू, अगेन ध्यान से देखो, H3 प्लस है, आपको मालूम है इससे एक H प्लस है हमारे पास और एक OH माइनस है। पहले H प्लस को ऐड कर देंगे, वो तो सिंपल है। आप ध्यान दो कि इस कार्बन पे ऐड करोगे कि इस कार्बन पे, तो डेफिनेटली इधर वाले पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहले केस में आप ध्यान से देखो, 5 मेंबर रिंग बना लो आप, इधर ये था, इस कार्बन पे प्लस किया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था और एक और सी एच थ्री। क्यों किया, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया और 3 अल्फा हाइड्रोजन भी इसके पास है, तो ये स्टेबल है, इसलिए कार्बोकैटायन हम इस साइड नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिंग वाले कार्बन के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे, तो हमने इसका ट्रिक आपको दे रखा है, इस पे 1 कर देना है, 2 उसका रिंग में जाना है, 3 4 5 6, उसका हमने बोला था आँख बंद करके आप 6 मेंबर की एक रिंग बना लो, जहाँ से मन करे वहाँ से नंबरिंग। ध्यान से देखो, मैं इधर से नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, जहाँ से मन करे नंबरिंग कर दो और कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज आप डाल दो। उसके बाद आप ध्यान से देखो क्या है, ये देखो, ये 1 2 3 4 5, ये सब तो रिंग में आ गए हैं। ध्यान से देखो तो 2 पे ही क्या होगा, आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, तो 2 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और एक मिथाइल ग्रुप कहाँ पे, ध्यान से देखो, 1 पे, तो 1 पे लगा दिया। ध्यान से देखो, 1 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, वो लगा दिया। बहुत सिंपल है रीअरेंज कराना। उसके बाद ये कार्बोकैटायन यहीं पे स्टेबल है, क्यों, 3 डिग्री है और 3 और एक 4 और 2 6 अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो स्टेबल है। तो अब आपको OH माइनस यहाँ पे ऐड कर देना है और आपका प्रोडक्ट हो जाएगा ये, सिंपल। तो क्या चेंजेज क्या हुआ सर पहले वाले से, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था वहीं पे आपका हेच और OH ऐड नहीं हुआ है। हेच तो चलो उसी कारण पे हुआ, OH ध्यान से देखो घूम फिर के रीअरेंजमेंट होने के बाद कहीं और जाकर के ऐड हुआ है। इस केस में बाय द वे वैसा हो रहा है कि उन्हीं दो कार्बन के बीच ऐड हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक हेच आया, यहाँ पे एक OH आया, तो यहाँ पे तो वैसा ही केस है बाय द वे। तो इसलिए मैंने वो पॉइंट लिखा था कि अगर कार्बोकैटायन वहीं पे स्टेबल है तब तो वहीं पे ऐड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले रीअरेंज होगा फिर ऐड होगा, तो इसलिए इसमें दोनों तरह के चेंजेस होंगे, उसको आपको कार्बोकैटायन बना करके ही देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, हेच प्लस हेच टू है, एल्कीन है, तो हम कार्बोकैटायन बनाएंगे, राइट। तो कार्बोकैटायन आप बनाओगे किस साइड, यहाँ पे, क्योंकि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पे नहीं बना सकते, राइट, यहाँ पे बनाना है। अब ध्यान से देखो, तो ये 2 डिग्री है, यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है वाया हाइड्राइड शिफ्ट, तो H माइनस शिफ्ट कर दो। H माइनस शिफ्ट मतलब समझे, आपको वहाँ का H यहाँ ले आना है, प्लस को वहाँ ले जाना है, तो इसलिए स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं देखेगा, सिर्फ प्लस यहाँ आ जाएगा। अब ये मॉस स्टेबल पोजिशन होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री हो गया और 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गया इसके पास, तो अब आप OH ऐड कर देंगे, OH माइनस, तो आपका प्रोडक्ट ये मिलेगा। तो क्या चेंजेज क्या हुआ कि जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वहीं पे दोनों पार्ट ऐड नहीं हुआ है, एक पार्ट हेच यहाँ ऐड हुआ है जरूर, लेकिन OH इस कार्बन को छोड़ करके इस कार्बन पे हुआ है, तो ये चेंजेज होंगे इन सब रिएजेंट में। वैसे एक और केस, H3O+, इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, पहले हम कार्बोकैटायन बनाएंगे, इधर ये स्टेबल होगा, राइट, क्योंकि 3 डिग्री हो गया, अब ये यहीं पे स्टेबल है, रीअरेंज नहीं होगा, तो यहीं पे आपको OH- ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, ध्यान से देखो,
कि जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था वहीं पे एक जगह पे H एक जगह पे OH ऐड हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं दो कार्बन के बीच हो, लेकिन कब होगा, जब वही सबसे स्टेबल पोजीशन होगी, नहीं तो कार्बन का टर्न बनाओ, रीअरेंज कराओ, रीअरेंज का मतलब उसको पहले घुमाओ फिराओ, फिर उसके बाद OH माइनस जाकर के वहां पे लगाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखो, तो आपको HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो पहले कार्बो का टर्न बनाना, राइट, इस कार्बन पे बनाएंगे क्योंकि 2 डिग्री होगा, स्टेबल होगा, तो बाकी चीज़ों को आप वैसे ही रहने दो, राइट। और यहाँ पे आपने बना दिया ये प्लस, उसके बाद यहाँ पे रिंग एक्सपेंड मत कराना क्योंकि ऑलरेडी ये 6 मेंबर है, 6 मेंबर सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अब क्या होगा, ये जो मिथाइल है ये शिफ्ट होंगे, तो एमी शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, तो क्या करना है, इसको आपको यहाँ पहुँचा देना, पॉजिटिव को यहाँ ले आना है। तो ध्यान से देखो, वेरी सिंपल, हमने क्या किया, यहाँ पे का मिथाइल यहाँ लगा दिया और प्लस यहाँ पे ले आया, राइट। अब ये जो कार्बन का टर्न है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि 2, 2, 4 और 1, 5 अल्फा हाइड्रोजन है और 3 डिग्री ऑलरेडी हाई स्टेबल है। अब आप Br- को ऐड कर देंगे और आपका प्रोडक्ट बन करके हो जाएगा तैयार। तो ये आपके हो गए प्रोडक्ट। तो अगेन आप ध्यान से देखो क्या हुआ कि H तो यहाँ पे जरूर लगा लेकिन Br यहीं पे नहीं लगा, Br देखो शिफ्ट होकर के लगा, इसलिए ये वो केस है जहाँ पे कार्बन का टर्न बनेंगे, फिर शिफ्टिंग होगी, फिर उसके बाद आपको न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है। सिमिलरली इस केस में 2 मोल्स HBr लिए गए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बन का टर्न बनेगा, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री होंगे और अल्फा एच ज़्यादा होंगे। बट इस केस में यू नो इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट या फिर माइनस आई, तो कार्बन का टर्न यहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे जितना दूर होगा इससे उतना अच्छा है, राइट, क्योंकि स्टेबिलिटी को ये कम करते हैं कार्बन का टर्न की। तो आपको कार्बो का टर्न कहाँ कहाँ पर बना के दिखाना है, एक तो यहाँ पे क्योंकि स्टेबल होगा, और यहाँ पे NO2 लगा है तो यहीं पे नहीं, यहाँ पे दूर पे, ताकि ये इससे दूर रहे, राइट। अब उसके बाद आप Br- को ऐड कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा तैयार। तो इस केस में हमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे। सिमिलरली इस केस में HCl, राइट, तो अगेन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कार्बो का टर्न यहाँ पे स्टेबल है, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री है, राइट। उसके बाद रीअरेंजमेंट हो जाएगा, H माइनस शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट होकर करके आपका प्लस यहाँ पे आ जाएगा, फिर Cl माइनस को ऐड करना है। तो बस ये पॉइंट्स सबको आपको ध्यान में रखना है, फिर Cl माइनस को ऐड करना है। सिमिलरली इस केस में वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, फिर से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप था और इसी पे प्लस लाना और इस पे एक और मिथाइल हो जाएंगे, राइट। एक ये मिथाइल, इसको ऐसे दिखा दिया, चाहो तो लिख दो CH3, और इस पे एक और हाइड्रोजन ऐड होने से CH3। अब अगेन ये 4 मेंबर रिंग है, उसके जस्ट बाहर वाले पे पॉजिटिव है, तो अब रिंग एक्सपेंशन होगा, तो इसको 1 देंगे, इसको 2, 3, 4, 5। तो आपको मैंने बोला कि आप 5 मेंबर रिंग आँख बंद करके बना लें, जहाँ से मन करें नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 2 पे आप दे देंगे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ध्यान से देखें, 1 पे ही इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बन नंबर 1 पे, तो 1 पे लगा दो 2 मिथाइल। उसके बाद मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, अभी भी ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, एमी शिफ्ट, मिथाइल यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, तो आपका इस टाइप से हो जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पे। उसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल Br- को आप ऐड कर दें तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, आप देख सकते हो ये। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, HBr है और अगेन एल्कीन है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे कार्बन का टर्न ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि पॉजिटिव सिंगल और ये pH मतलब बेंजीन रिंग है, तो रेजोनेंस में जाएंगे, तो इसलिए आपको कैसे करना है, pH और यहाँ पे Br लगा हुआ, आपका Br यहाँ पे लगेगा क्योंकि कार्बन का टर्न यहाँ पे स्टेबल होंगे, राइट। यहाँ पे HI है तो आपको मालूम ही है, फर्स्ट केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे कार्बन का टर्न बनाओगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो मिथाइल शिफ्ट होगा, एक मिथाइल यहाँ जाएगा पॉजिटिव यहाँ, तो मिथाइल शिफ्ट कर दो आप, राइट, और यहाँ पे पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे आपको आई माइनस लगाना है तो आपका ये प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा।
सिमिलरली इस केस में HCl है, एल्कीन है, राइट। तो पहले केस में तो आप क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन। आपको बता रखा हूँ कि आपको पहले कार्बोकैटायन बनाना, और वो यहीं पे स्टेबल होगा इस वाले कार्बन पे, क्योंकि 3 डिग्री हो जाएंगे। अब ये कार्बोकैटायन ध्यान से देखो, 5 मेंबर रिंग के जस्ट आउट साइड में, तो आपको रिंग एक्सपेंशन कराना है 1, 2, किधर भी साइड जा सकते हैं कोई सब्जेक्ट, 3, 4, 5, 6, राइट। अब आपको बता रखा हूँ कि आप 6 मेंबर रिंग बना लो, तो ध्यान से देखो, ये पहले से थी, इसमें 6 मेंबर रिंग आप बना दो। नंबरिंग यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 और 5 नंबर कार्बन आपका फिक्स है, क्योंकि वो दोनों कॉमन है, तो 4, 5 कर दो, तो ये हो गया 6, तो इधर 3, इधर 2, इधर 1, ऐसे कर दो आप। ध्यान से देखो कि 2 पे मैंने आपको बोला कि 2 पे पॉजिटिव देना, और 1 पे ही यहाँ पे 2 मिथाइल है, तो 1 पे 2 मिथाइल आप लगा दो, वेरी सिंपल। उसके बाद अगेन मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो मिथाइल शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और यहीं पे आपका Cl ऐड कर देना है, तो फाइनली Cl आप यहीं पे ऐड कर दो और आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में अगर सपोज को रिएक्शन HBr से करा रहे हैं तो अगेन इस कारण पे पॉजिटिव स्टेबल होगा। ये सिमिलर टू दिस केस है, क्यों, क्योंकि इस कारण पे प्लस आएगा तो पॉजिटिव सिंगल डबल से रेजोनेंस हो जाएंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, CH, CH2, CH3 हो जाएगा, और इस पर आपको Br ऐड कर देना है। ध्यान दे, बेंजीन वाले डबल बॉन्ड को टच नहीं करना है, क्योंकि आपको बता रखा हूँ वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं वो, तो HBr उसको पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए अगर आपको कहीं पे ऐसा केस आ जा रहा है कि बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन आपको नहीं कराना है, क्योंकि ये बेंजीन का डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी नॉर्मल कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कि ये एल्कीन और HBr इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से देखो, परऑक्साइड है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी शिफ्टिंग वगैरह नहीं करना है। आपको बोला है कि Br कहाँ पे ऐड करना है, जिस कारण पे डबल हाइड्रोजन है, और H और Br उसी कारण पे ऐड होंगे जिन दो कारण के बीच डबल बॉन्ड है, तो राइट। तो CH3, CH2, CH सिंगल बॉन्ड CH2, राइट। Br इस कारण पे ऐड होगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो Br आपका यहाँ जाएगा और H यहाँ, यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन, कोई शिफ्टिंग नहीं, तो इसलिए ये एंटी मार्कोनिक है, क्योंकि अगर H2O2 नहीं होता, ध्यान से देखो, H2O2 नहीं होता, सिर्फ HBr होता, तो फिर आपका Br यहाँ पे ऐड होता, क्योंकि यहीं पे कार्बोकैटायन स्टेबल था, राइट। सिमिलरली HBr H2O2 है, एल्कीन है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये वाले कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको Br ऐड करना, यहाँ पे H ऐड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है कि इस केस में नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो ध्यान से देखो, ये कार्बन भी आपका कायरल हो चुका है, चारों ग्रुप डिफरेंट, और ये कार्बन भी कायरल हो चुका है, चारों ग्रुप डिफरेंट, इसलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 की पावर 2, डेट इज 4 हो जाएंगे, राइट। और अगर सिर्फ HBr होता है, H2O2 नहीं होता, तो आप ध्यान से देखो, आप क्या करते हैं, पहले आप एक कार्बोकैटायन बनाते, राइट, और कार्बोकैटायन यहीं पे बनाते हैं, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद यहीं पे स्टेबल है क्योंकि 3 डिग्री है, अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा है, तो अब आप Br ऐड कर देते, तो आपका Br यहीं पे ऐड हो जाता। ध्यान से देखो, तो ये कार्बन कायरल नहीं हुआ, क्योंकि इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछता है तो 1 होता है। इसीलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए आपको रिएजेंट को केयरफुल्ली ऑब्जर्व करना है कि क्या है, थोड़ा सा चेंज होगा सब कुछ चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, कि इसको बोलते हैं N-bromosuccinamide, राइट, शॉर्ट फॉर्म में NBS लिख सकते हैं, तो इसका भी वही काम है जो काम आपका हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट HF या लाइट लिख दे, राइट, या UV रेज लिख दे आपका, राइट, जो काम यही करेगा वही काम आपका NBS भी करेगा, N-bromosuccinamide भी करेंगे, राइट। ओनली थिंग इज कि यहाँ पे ब्रोमीन होगा तो होगा, या क्लोरीन भी होगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन ही होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे ब्रोमीन लगे होते हैं। नाउ करना क्या है, तो जैसे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दे दिया या NBS, तो एलाइलिक पोजीशन पे, ट्रिक का पॉइंट ध्यान से देखो, एलाइलिक पोजीशन पे, तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
डबल बॉन्ड को इस केस में कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रहे, इन सब केस में डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करना है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे उसकी एडेशन sp3 होना चाहिए, उस पर आपको ब्रोमीन लगा देना है। सिमिलरली ब्रोमीन लाइट है या NBS, तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को वैसे ही रह देना है, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे ब्रोमीन ऐड कर देना है, इस केस में केयरफुल रहना है। सिमिलरली ब्रोमीन यूवी लाइट है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन यहाँ है तो इस पर लग जाएगा, राइट, बाकी चीज को वैसे ही रहने देना है। तो यहाँ पे आपका CN था, डबल बॉन्डेड कार्बन CH2 CH3, तो उसके बगल वाले कार्बन पे BR लगा देना। सिमिलरली क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है, अगर एक्सेस में हो तो जितने भी एलाइलिक पोजिशन है सब पे लगाना है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये भी एलाइलिक पोजिशन है और ये भी एलाइलिक पोजिशन है, इसलिए आपको दोनों जगह पे क्लोरीन लगा देना है, बट डबल बॉन्ड को टच नहीं करना है, ये पॉइंट ध्यान में रहे। तो जब भी हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या NBS हो तो डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे जिसका एडिशन sp3 है उस पर आपको लगाना है हैलोजन। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इस टाइप से कभी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं, HCl है उनको लगता है ये कार्बो का टर्न ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 2 डिग्री है, बट बेटा यहाँ पे ध्यान देना है 3 फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो यहाँ पे कार्बो का टर्न अनस्टेबल होगा, इसलिए इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बो का टर्न इधर बनाना पड़ेगा, इसलिए यहीं पर आपको Cl ऐड करना और इधर में H, इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। सिमिलरली इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कार्बो का टर्न अगर बनाएंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव से रेजोनेंस होगा क्योंकि इसका प्लस M इफेक्ट होगा, तो इसलिए इस केस में जरूर है कि आपको इस कार्बन पे ही BR लेके आना पड़ेगा, तो इस पर H लगेगा और इस पर BR। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर HBr और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पे थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाना है, डैट मीन्स करना क्या आपको कि पहले तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, राइट, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो करके यहाँ पे पॉजिटिव ही है, और अभी BR आपको नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव सिंगल डबल से रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस आप करा लो और यहाँ पर आप पॉजिटिव ले आओ वायर रेजोनेंस, उसके बाद आप यहाँ पर BR ऐड कर दो तो आपका प्रोडक्ट इस टाइप का रहेगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ, जो एल्कीन मिला वो ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा H, यहाँ पे 3 अल्फा H है और यहाँ पे 2 अल्फा H, 8 अल्फा H है, इसलिए हम TC बोलते हैं उस प्रोडक्ट को, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट आपको बनाना है ऐसे केस में, तो इम्पोर्टेंट है ये। सिमिलरली अगर HBr एक्सेस में है तो यू नो यहाँ पे तो क्लियर हमें कि यहाँ पे कार्बो कटन ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट, और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इधर से ब्रेक करोगे तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव अनस्टेबल है, राइट, तो इधर से ब्रेक करेंगे तो इसको H मिल जाएगा आपका और उसको BR मिल जाएंगे, राइट, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऊपर से तो आपका हो जाएगा इधर से फिनॉल H आ गया और यहाँ पे CH पे CH3 था और इस पर क्या होना जाएगा, BR, क्योंकि यहाँ पे कार्बो कटायन स्टेबल होंगे। तो आई होप ये सारे प्रॉब्लम और ये सारे कंसेप्ट और ये सारे ट्रिक आपको समझ में आ गए होंगे, आप इस पर बेस आप कोई प्रॉब्लम कर सकते हो अगर आपने रफ़ी सर को सही से फॉलो किया तो। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ वो एल्कीन की रिएक्शन से रिलेटेड है, और इस ट्रिक को आपको तभी अप्लाई करना है जब आपका एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो, डैट मीन्स वेरी सिंपल, जब एल्कीन आइदर सिस या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होगा तभी आपको लगाना है, और सिस पहचानना इजी है, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन जो 2 कार्बन है उसके अगर सेम साइड सेम ग्रुप है तो उसको सिस बोलते हैं, और डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के अपोजिट साइड में सेम ग्रुप है तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं, तो आपको ये ट्रिक तभी लगाना जब आपका एल्कीन सिस या ट्रांस में हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, सिस या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होगा तब अप्लाई करना है। उसके बाद करना क्या है, चूंकि एडिशन वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट मीन्स एक पाई को ब्रेक करना है और 2 सिग्मा बनाना है,
तो वो जो दो सिग्मा बनेंगे वो दोनों सेम साइड से बन सकते हैं, डेट इज कॉल्ड सिन एडिशन। डैट मीन्स एल्किन का एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और जो दो आने वाले ग्रुप हैं अगर वो सेम साइड से आ रहे हैं तो सिन एडिशन बोलेंगे, और सिमिलरली अगर एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके दो जो आने वाले ग्रुप हैं वो अगर अपोजिट साइड से आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे एंटी। तो ये हो गया एडिशन का टाइप, दैट इज कॉल्ड अबाउट एंटी एडिशन और सिन एडिशन। तो एडिशन किस टाइप का हो रहा है, सिन या एंटी, वो हो गया। कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सिस या ट्रांस। तो प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, आइदर मीजो। मीजो की पहचान कैसे है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। डेट मीन सी के सामने सी है, बी के सामने बी, ए के सामने ए, और दो कायरल सेंटर होगा तो इसको बोलेंगे मीजो। या फिर प्रोडक्ट हमें क्या मिल सकता है, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर की पहचान क्या, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो ये होंगे खुद और खुद इसका एक मिरर इमेज होगा, इसलिए इसको बोलते हैं रेसिमिक प्रोडक्ट। तो फंडा एकदम क्लियर है कि आपका एल्किन सिस या ट्रांस कॉन्फिग्रेशन में होगा, एडिशन सिन या एंटी होगा, तो प्रोडक्ट, ध्यान दो, प्रोडक्ट मीजो या रेसमिक मिलेगा। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रफ़ी सर के सिंपल ट्रिक से। तो ट्रिक का पॉइंट ये है कि सिस को या सिन को या मीजो को, इन सब को मैं प्लस मान रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें ग्रुप सेम साइड है। कैसे, ध्यान से देखो, सिस में ए ए सेम साइड है, सिन में दोनों एडिंग पार्ट सेम साइड से अटैच हो रहे हैं, और मीजो में भी जो एडिंग पार्ट है वो सेम साइड है, तो इसलिए सेम साइड वाले को मैंने प्लस माना। वैसे ही ट्रांस को या एंटी को या रेसमिक मिक्सचर को मैंने माइनस एज्यूम किया है, क्यों, क्योंकि ट्रांस में अपोजिट साइड में है, एंटी में भी अपोजिट साइड से ऐड होते हैं और रेसमिक में भी अपोजिट साइड में होते हैं, इसलिए अपोजिट साइड वाले को माइनस माना है। उसके बाद हमने सिंपल मैथ का बेसिक फार्मूला लगाया है जो बच्चे को मालूम होता है, क्या, कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। सर ये कहना क्या चाह रहे हो वो तो बताओ। वेरी सिंपल कि आपका एल्किन किस कॉन्फ़िगरेशन में है, आपका एल्किन किस कॉन्फ़िगरेशन में है, सिस में है या ट्रांस में है, एडिशन आपका कैसा हो रहा है, सिन या एंटी, और उसका प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, वो आपको इस ट्रिक से आ रहा है। देखो मैथ को मैंने कनेक्ट कर दिया है केमिस्ट्री में, कैसे, ध्यान से देखो एक एग्जांपल। प्लस मतलब कॉन्फ़िगरेशन प्लस बोले तो यहाँ ध्यान से देखो सिस, उसके बाद फिर प्लस, एडिशन प्लस बोले तो सिन एडिशन, और फिर प्लस आया, प्लस बोले प्रोडक्ट में तो मीजो। तो डैट मीन्स जब अगर आपका एल्किन सिस कंडीशन में होगा, एडिशन भी अगर सिन होगा, तो प्रोडक्ट हमें मीजो मिलने वाला है। सर एक और एग्जांपल बताओ, जैसे ये वाला लेते हैं थर्ड। प्लस मतलब क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन प्लस बोले तो सिस, एडिशन पार्ट, माइनस बोले तो एंटी एडिशन, माइनस बोले तो एंटी एडिशन, राइट, और प्रोडक्ट माइनस बोले तो रेसिमिक, मतलब रेसिमिक। तो डैट मीन्स अगर आपका एल्किन सिस कॉन्फ़िगरेशन में है, एडिशन एंटी हो रहा है, तो प्रोडक्ट आपको रेसिमिक मिक्सचर, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट फिर दो हो जाएंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर कौन सिन एडिशन होगा, कौन एंटी, वो भी जल्दी से बता दो, क्योंकि आपका ट्रिक आ गया मेरे को समझ में। तो मैं अभी आपको वो भी बता रहा हूँ कि कौन सिन है और कौन एंटी। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर टू की, जिसमें मैंने आपको पूरा एक टेबुलर फॉर्म दिखाया है कि रिएजेंट आपका क्या होगा, एडिंग पार्ट कौन कौन होंगे, टाइप कैसा है वो, और एक एग्जांपल से समझाया है। तो पूरे एल्किन में आपको इन्हीं में से कोई ना कोई रिएजेंट मिलने वाला है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है आपको। रिएजेंट H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम होगा, तो इसमें दोनों एडिंग पार्ट H होंगे, सिन एडिशन है ये, इसलिए दोनों को सेम साइड से आपको अटैच करना है, ओके। सेकेंड जो है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एंड कोल्ड कंडीशन, कभी कभी टेम्परेचर मेंशन होगा, दोनों जो एडिंग पार्ट है वो OH है, ये भी सिन एडिशन है आपका, इसलिए OH सेम साइड से अटैच होंगे। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो दोनों एडिंग पार्ट OH हैं, सिन एडिशन है, तो इसलिए दोनों OH सेम साइड से अटैच होगा। BH3THF इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH-, जिसको HBO बोलते हैं, डेट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो इसमें एक पार्ट एडिंग H है और एक OH है, ये भी एक सिन एडिशन है, तो आपको H एंड OH सेम साइड से अटैच करना है। और कैसे करना है तो वो ट्रिक दे रखा हूँ,
तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है कि फर्स्ट थ्री में एडिंग पार्ट आपका सेम था, फोर में जाकर के एडिंग पार्ट डिफरेंट हुआ है, तो इसलिए आपको यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें एडिंग पार्ट सेम होने की वजह से कोई भी कार्बन पे अटैच कर दो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये मार्कोनिकब होगा या एंटी मार्कोनिकब, तो इसलिए पॉइंट नंबर फोर पे आपको ध्यान देना है, वन टू थ्री पे कोई दिक्कत नहीं होगी, मार्कोनिकब करो या एंटी मार्कोनिकब। सेकेंड पॉइंट जो इसमें ध्यान देना है कि फर्स्ट फोर जो हमने लिया है वो सिन एडिशन वाले हैं, अब लास्ट जो 5 टू 8 है नेक्स्ट 4 वो एंटी एडिशन वाले हैं, X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कहीं पे हो तो दोनों एडिंग पार्ट हैलोजन होगा, एंटी एडिशन है इसलिए हैलोजन को अपोजिट साइड से अटैच करना पड़ेगा। सिमिलरली X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हो तो यहाँ पे एडिंग पार्ट डिफरेंट है, एक हैलोजन है और एक OH है, अगेन ये एंटी एडिशन है इसलिए दोनों अपोजिट साइड से ऐड होंगे, तो अगेन आपको कहाँ पे ध्यान देना है, 6 पे, क्यों, क्योंकि एडिंग पार्ट डिफरेंट हो चुका है, तो मार्कोनिकब होगा या एंटी मार्कोनिकब उसका ध्यान रखना है। वैसे ही पर एसिड कहीं पे पर ऑक्सी लिंकेज हो इन प्रेजेंस ऑफ H+ एसिडिक मीडियम तो दोनों एडिंग पार्ट सेम होते हैं OH, एंटी एडिशन है ये इसलिए दोनों अपोजिट साइड से आपको दिखाना है, तो ये वाला अगेन सेम एडिंग पार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन 8 में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि HgOH2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड NaBH4 होगा तो इसको बोलते हैं OMDM, डैट इज ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, और इसमें एडिंग पार्ट एक OH होता है और एक H होता है, और ये एंटी एडिशन है तो एक तरफ से H आएगा और एक तरफ से OH, और ये जनरली मार्कोनिकब, ये और ये मार्कोनिकब एडिशन होता है, जबकि BH3 THF वाला एंटी मार्कोनिकब होता है। तो अगर इस टेबुलर फॉर्म में ध्यान से देखो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो ये एक पूछा जाता है, राइट, ये भी एक पूछा जाता है, दो BH3 वाले, ये तीन, ये चार, ये भी पूछे जाते हैं, और ये वाले पूछे जाते हैं, ये पांच तो पूछे जाते हैं। वैसे हमने आपको टोटल 8 बताया, फर्स्ट 4 सिन एडिशन है, नेक्स्ट 4 एंटी एडिशन है, आपको ध्यान कहाँ कहाँ पे रखना है, 4, 6, 8 में, क्यों, क्योंकि 4 में एडिंग पार्ट डिफरेंट है, 6 में एडिंग पार्ट डिफरेंट है, 8 में एडिंग पार्ट डिफरेंट है, बाकी 5 में एडिंग पार्ट सेम है इसलिए मार्कोनिकब एंटी मार्कोनिकब का झंझट ही खत्म है, बाकी 3 में आपको कैसे करना वो भी मैं ज्ञान की बात में बताऊंगा, तो आप ये टेबल को अच्छे से देख लो, क्योंकि रिजल्ट हमने लिख दिया, एडिंग पार्ट कौन है वो लिख दिया है, टाइप कैसा है वो लिख दिया है, एक एग्जांपल से समझाया, और पहला ट्रिक आप लगा दोगे और ट्रिक 2 तो आपका आंसर आ जाएगा एकदम इजीली। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, क्वेश्चन नंबर 1, तो ये एल्कीन है, राइट, डबल बॉन्ड है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो, एक मिथाइल ग्रुप इस साइड है तो एक मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में, तो ये आपका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रांस को क्या बोला था, माइनस मानने को, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ये एंटी एडिशन होता है तो इसको भी क्या मानेंगे, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, डैट मीन्स दोनों Br सेम साइड होना चाहिए, तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो, राइट, ये CH3 आपका ये अप वाला और ये CH3 आपका डाउन वाला, इसके पास हाइड्रोजन थे, चूँकि माइनस माइनस प्लस डैट मीन्स दोनों एडिंग पार्ट सेम साइड रखना है, तो Br अगर इधर रखे तो HH इधर रखेंगे, आप ध्यान से देखो तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है, तो ये मीजो कंपाउंड है, क्योंकि इसका जो एक ऐसे बनाओगे तो दोनों सेम ही कंपाउंड होंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप ये भी बना सकते हो, तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जाता कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे तो आप बताते एक। वहीं पे यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, ये जो एल्कीन है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में, कैसे, दोनों एल्काइल ग्रुप आपका सेम साइड है और दोनों हाइड्रोजन भी सेम साइड है, तो सिस है तो हमने क्या बोला, प्लस मांगना है, और यहाँ पे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंटी एडिशन है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का मतलब क्या हो गया कि आपका दोनों Br क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड में, तो एक Br इधर तो एक Br इधर और HH, यहाँ पे ध्यान से देखो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसलिए ये खुद होंगे और एक इसका मिरर इमेज होगा, इसलिए हम ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे, रेसिमिक प्रोडक्ट, तो आप ध्यान से देखो तो इधर Br इधर H इधर H इधर Br, तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या आंसर करते यहाँ पे, 2, क्योंकि रेसिमिक प्रोडक्ट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में राइट एल्किन और D2NI मतलब हाइड्रोजन का बड़ा भाई हो गया ड्यूटेरियम, तो D2 ऐड करना इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यू नो कि ये कैसा है सीन एडिशन राइट, सीन एडिशन मतलब प्लस, तो माइनस प्लस क्या बोला था आपको, माइनस मतलब दोनों डी को अपोजिट साइड में रखना है, तो एक डी इधर तो एक डी इधर, और H पहले से जो था CH3, तो आपको माइनस प्लस माइनस मतलब रेसमिक प्रोडक्ट, तो ये खुद होंगे और एक इसका मिरर इमेज, तो मिरर इमेज में ये डी यहाँ तो ये डी यहाँ H एंड CH3, तो अगेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाता तो दो हो जाता, बट इस केस में ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में ये एडिशन भी सीन होता है, डेट मीन्स प्लस, तो ध्यान से देखो प्लस प्लस प्लस, तो मतलब दोनों डी को आपको सेम साइड रखना है, तो CH3 और इसका H आपका पहले से था राइट, तो ये कैसा हो गया मीजो कंपाउंड, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोले तो वन ही होंगे क्योंकि ये या इसका मिरर इमेज एक ही बात है, दोनों सेम है, बट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसलिए ये सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में अगेन ये ट्रांसपोजिशन में आपका एल्किन और एडिंग पार्ट जो वो KMnO4 डायलूट कंडीशन में या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो यू नो एक सीन एडिशन होता है ये, और सीन मतलब प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस मतलब क्या हो गया एक OH इधर तो एक OH इधर, बाकी आपका दो मिथाइल अप डाउन में रहेंगे और H, तो अगेन ये खुद होंगे और ये एक मिरर इमेज, क्यों, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो आप मिरर इमेज बना दो OH इस साइड तो इसका OH इस साइड और H एंड CH3, तो अगेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू हो जाता, बट अगर कॉन्फ़िगरेशन सिस हो और एडिंग पार्ट सेम है, अगर सीन एडिशन है डेट मीन्स प्लस, तो प्लस 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 बोले तो दोनों OH को आपको क्या करना है सेम साइड, देखो इससे इजी क्या हो सकता है, आपको सिंपल ट्रिक्स है, ये प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक ही होंगे क्योंकि ये मीजो है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्वेश्चन नंबर सेवन कि अगेन ट्रांसपोजिशन में है और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड है राइट, तो यू नो एंटी एडिशन होता है ये क्योंकि परऑक्साइड है, एंटी एडिशन मतलब माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, डैट मीन्स दोनों OH आपको क्या रखना है एक ही साइड रखना है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगेन एक ही हो जाएंगे क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मीजो कंपाउंड होगा ये, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर पूछा जाए तो वन। यहाँ पे अगेन पर एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम है, तो ये एंटी एडिशन है, एंटी बोले तो माइनस और ये जो एल्कीन है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में डैट मीन्स प्लस, तो प्लस माइनस माइनस डैट मीन्स माइनस बोले तो अपोजिट साइड में, तो आपको एक OH इधर रखना है तो एक OH इधर और ये H, तो ये खुद होंगे और एक इसका मिरर इमेज होगा, तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे टू। तो देखो कितना ईजी है, प्लस माइनस सिंपल माइनस, माइनस तो रेसिमिक बनाना है और माइनस माइनस प्लस, प्लस बोले तो दोनों सेम ही है, डैट मीन्स मीजो कंपाउंड बनाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन में एक एल्कीन है और इसकी रिएक्शन BH3H2O2 एंड OH- से कराना है, तो ये आपको समझ में आ गया ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, इट इज ए सीन एडिशन राइट, BH3 से आपको H मिलेगा और H2O2 OH- से आपको OH मिलेंगे, आपको बता रखा हूँ H कहाँ ऐड करना है जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो, क्यों, क्योंकि BH3 में ज़्यादा हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन को वहाँ पे अटैच करो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जिसके पास कम हाइड्रोजन हो ताकि वैकेंसी मेंटेन रहे, याद रखने के लिए हमने ऐसा बोला हुआ है सिंपल, तो H आपका इस कार्बन पे जाएगा OH इस कार्बन पे आएगा, कैसे ऐड करना है सीन एडिशन है, तो आपको प्रोडक्ट कैसे दिखाना पड़ेगा, अगर आपने H को अप साइड से दिखाया तो OH को भी अप साइड से आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं इसी प्रोडक्ट को इस टाइप से, अगर आपने H को डाउन साइड से दिखाया तो OH को भी आपको डाउन साइड से दिखाना पड़ेगा, दिस इज ऑल अबाउट सीन एडिशन राइट। सिमिलरली अगर HgOSe twice H2O एंड NaBH4O तो ये OMDM हो गया, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, जो कि HBO का एग्जैक्टली उल्टा होता है, तो इसलिए आपको ये याद है, तो इस केस में क्या करना है उल्टा करना है, अब OH वहाँ ऐड होगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो और H वहाँ ऐड होगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो, तो वेरी सिंपल। तो प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो अगेन कि इस तरह से कर लेंगे, बट यू नो कि इट इज ए एंटी एडिशन, तो इसका मतलब H एंड OH अपोजिट साइड में होना चाहिए, तो अगर सपोज करो यहाँ पे OH अपने अप में रखा है तो यहाँ पे H आपको डाउन में रखना पड़ेगा, और आप ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे OH डाउन में रखा तो यहाँ पे आपको
हेच अप में रखना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्लियरली समझ ले, इट इज ए सीन एडिशन, इसलिए ध्यान से देखो दोनों एडिंग पार्ट सेम साइड से आपको दिखाना है। इट इज ए एंटी एडिशन, तो एडिंग पार्ट आपको अपोजिट साइड में दिखाना है। यहाँ पे ये जो एल्किन था वो ट्रांस शो नहीं कर पाएगा, इसलिए हम सिस ट्रांस की बात अभी नहीं कर रहे हैं। नाउ इस टाइप के अगर प्रॉब्लम पूछ ले कि आपको कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दे, यूनो के BH3 से हमें मिलने वाला H और H2D2 OD- हमें मिलेगा OD, राइट? तो आपको प्रोडक्ट फिर कैसे बनाना है, इसको जैसे फिक्स कर दिया तो आपको फिक्स कर देना, आप चेंज नहीं कर सकते। अब विनो की H कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो, तो अब चूंकि ये अप में और ये जो एडिशन है वो है सिन एडिशन, तो अब आपको H को दिखाना पड़ेगा डाउन साइड में, तो यहाँ पे OD को भी आपको डाउन साइड में दिखाना है, ऐसे ही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे का जो H होगा फिर वो अप साइड में होगा, राइट? ये ध्यान दे, ये पहले वाला जो H है प्रेजेंट वो है ये, और जो एडिंग पार्ट वाला वो ये है H। वैसे ही यहाँ पे अगर OMDM हो तो कैसे करेंगे, विनो के इससे तो आपको HgOC2 और H2O से OH मिलेगा, और इससे NaBD4 से D मिलेगा। तो एक जगह OH और D और इसका उल्टा करना है, बट द कंडीशन इज कि आपका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है मिथाइल का, तो ऐसे ही रहने देना। अब चूंकि ये अप में है तो आपका जो यहाँ पे OH आएगा वो डाउन में आएगा, इसीलिए यहाँ पे चूंकि ये एक एंटी एडिशन है तो दोनों अपोजिट साइड में होना चाहिए, तो यहाँ पे जो D आएगा वो अब आपका अप में रहेगा, ये ध्यान रखना है ताकि ये एंटी हो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो H है उसको कैसे रखना पड़ेगा आपको, वो H आपका डाउन में रहेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है जो अच्छे लेवल के प्रॉब्लम को लेकर के मैंने समझाने की कोशिश की है। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, तो कहीं पे भी BH3 THF इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 और OH- हो तो इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, शॉर्ट फॉर्म में HBO, और ये एक एंटी मार्कोनिक एडिशन है। डैट मीन्स आपको क्या करना है, जो BH3 से जो H मिलेगा उसको वहाँ पे ऐड करना है जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो उस कार्बन पे ऐड कर दो जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है। और HgOSe2, H2O और NaBH4 जिसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्युरेशन, डीमर्क्युरेशन और या X2H2O, तो इन सब में क्या करना है, मार्कोनी कर्व। डैट मीन्स कोई एक याद रखो तो दूसरा अपने आप याद रहेगा, राइट? तो इसका उल्टा करना आपको, राइट? तो डैट मीन्स इस केस में जो आपको H ऐड करना है वो वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी मोर हाइड्रोजन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और HBO लिया, तो HBO बोले तो ये हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो आपको इसका H कहाँ पे ऐड करना है, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है। कहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस कार्बन के पास 1 है और इस कार्बन के पास 2 है। ध्यान रहे ऐड वहीं पे होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट? तो इसलिए प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब जो इससे H मिलेगा वो वहाँ पे ऐड करना है जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन था तो यहाँ पे H आएगा, तो यहाँ पे OH, दैट मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया, ये हो गया एंटी मार्कोनी कर्व। और इसका उल्टा होगा अगर OMDM लिए, तो आपको H वहाँ पे ऐड करना जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 2 डिग्री अल्कोहल, तो इसको बोलते हैं मार्कोनी कर्व। वैसे ही X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हो तो इससे X+ और OH- मिलेंगे। X+ को आप मानो कि H+ टाइप का ही है, तो H जहाँ पे ऐड कर दो मार्कोनिकम में वहाँ पे X ऐड करना है और OH की जगह OH ही रहेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप ये मेरा स्टीरियो केमिस्ट्री वाला जो कंसेप्ट है, ट्रिक है, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब इस पर बेस किसी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली कर सकते हैं, वो भी करेक्टली। थैंक यू।